प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीब दास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुटाणी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय, सत साही गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशोन्दुलम। सोहम सुरती समापतम सकल समाना निरतल, उज्ज्वल हीरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मज्जतम। गरीब जो सुमरे सिद्ध होई, गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊ गणनायक देवन देवा, चरण कमल लो लाऊ आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋद्धि सिद्धि दाता सोई ही, अवगत गुणे अतीतम सत पुरुष निर्मोही ही, जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप बुरारी, तन मन अर्पण शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे, समर्थ जीवन जी का मन ईचा पल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88, उतरे भव जल पारा कटहे यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88 ही, उतरे भव जल पारा कटहे यम की फांसी। कर जोरू विनती करूं डरूं चरण पर शीश, गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बंधी जम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी जाखें चोवा जाऊं, तो करो तो बावड़ो
दूर दूर करो तो जाम, जो राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। सात द्वीप नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके गुरु करे सो हो। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए, चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूं जो कहनी हो। कबीर साई मिलेंगे, पूछेंगे कुसला तू, आदि अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात है। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुम जैसे हमको नहीं। कबीर तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदो, तिनके हृदय ना समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार, भावे बंदा बख्श दियो, भावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ, बहुरे पिता को लाज। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हारे, भावे बंदा बख्श दियो, भावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ, बहुरे पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नकसिक भरे विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। सूरत करो मम साइया, हम हैं भव जल माही, आप ही बह जावांगे, जो तुम न पकड़ोगे बाँ। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व ब्रह्मांडों के रचनहार कबीर साहेब हैं, कबीर देव जी हैं, वो हम सभी आत्माओं के जनक हैं, वही हमारे पिता हैं। इसी परमेश्वर में वो सभी गुण हैं, तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधु च सखा, तुमेव विद्या च द्रविण, तुमेव सर्व मम देव देव। ये सर्व देव देव यही परमात्मा है, जो सभी भगवानों का भगवान है, सबका मालिक है। अब प्रथम बार कोई श्रद्धालु ये वचन सुनता है कि कबीर देव, कबीर साहेब पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, सभी ब्रह्मांडों के रचयिता हैं, तो ये बात, ये वचन कुनीन की तरह जीभ पर रखे नहीं जाते। क्योंकि हमने जो ज्ञान सुना हुआ है वो लोक वेद सुन रखा है,
वो दंत कथा सुन रखी है। हमने अपने सदग्रंथों का ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ हमारे को, क्योंकि हमारे जो गुरुदेव थे हिंदू धर्म के, जो आचार्य थे, गुरु थे, मंडलेश्वर थे, ये तत्व ज्ञानहीन थे। ये सभी ऋषि महर्षि ये तत्व ज्ञानहीन थे। इनको कोई अध्यात्म ज्ञान नहीं था, जिस कारण से हमने परमात्मा की पहचान नहीं हुई और लोक वेद के आधार से जिस भी किसी देव को पूर्ण परमात्मा कहा गया उसको हमने सत्य मान लिया। क्योंकि जो आचार्य होते थे हिंदू धर्म के, गुरु होते थे, वो संस्कृत भाषा के ज्ञाता होते थे और हमारे सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा के अंदर ही लिपिबद्ध हैं। अब बाद में अनुवाद कर दिया गया हिंदी में या अन्य किसी भी लैंग्वेज में, वो बाद की बातें हैं। प्रारंभ में अभी तक ये, प्रारंभ से लेकर अभी कुछ समय पहले तक ये सभी संस्कृत में विद्यमान थे और संस्कृत वाले तो अब भी एज इट इज हैं। अनुवादकर्ताओं ने अपनी अपनी भाषाओं में उनको ट्रांसलेट कर लिया है। अब जिस कारण से जनता जो थी, श्रद्धालु थे, वो उन गुरुओं पर, आचार्यों पर, मंडलेश्वरों पर विश्वास करते रहे कि ये संस्कृत के ज्ञाता हैं, संस्कृत बहुत अच्छी धारावाहिक बोल लेते हैं और सभी सदग्रंथ भी हमारे संस्कृत भाषा में लिखे हैं, जिस कारण से उस गुरुजी के विषय में कोई भी हमारे अंदर जो शंका उत्पन्न नहीं हुई, अविश्वास नहीं हुआ कि ये गलत कह रहा है। क्योंकि टीचर जो होता है वो विद्यार्थियों को जो भी ज्ञान देता है विद्यार्थियों के लिए स्वीकार्य होता है। अध्यापक से कुछ भी बोल रहा है तो बच्चे उसमें ऑब्जेक्शन नहीं करते, सिरोधार्य करते हैं। एक अध्यापक ने एक कोई प्रश्न का उत्तर इतिहास का बच्चों को पढ़ाया और उस लड़के का पिता भी एजुकेटेड था लेकिन वो सर्विस नहीं कर रहा था, अपना अन्य व्यवसाय करता था। तो उस लड़के के पिता ने, फादर ने देखा कि जो बच्चे ने प्रश्न का उत्तर लिखा हुआ है वो गलत लिखा है। उसने अपने पुत्र से कहा कि बेटा तुमने ये गलत लिख रखा है। तो लड़के ने उत्तर दिया, नहीं पिताजी, हमारे गुरुदेव ने बोला है ये सही है। तो पिताजी ने कहा, नहीं बेटा इसको ठीक कर लो। तो लड़का बोला, नहीं पिताजी बिल्कुल नहीं करूँगा, ये हमारे गुरुजी ने बोला है, हमारे गुरुजी ने कहा है, हमारे अध्यापक ने कहा है। तो पुण्यात्मा आज वही स्थिति आ चुकी है। ये जितने भी आचार्य गुरु थे ये भाषा संस्कृत तो अवश्य जानते थे लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान से ये अपरिचित थे, जिस कारण से ये आज तक भी हमें हमारे सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को नहीं बता पाए। और आज वही तथ्य जो हमारे पवित्र सदग्रंथों में विद्यमान है जनसाधारण के रूबरू ये दास करवा रहा है, उनको सार्वजनिक कर रहा है इन सीडी के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से और पुस्तकें बना करके। अब उन गुरुओं को, उन आचार्यों को समस्या उत्पन्न हो रही है जो अभी तक लोक वेद सुना रहे थे, दंत कथा सुना रहे थे। वो क्या कहते थे? कोई तो कहता था कि श्री विष्णु जी इज कंप्लीट गॉड,
ये विष्णु जी ही सर्व समर्थ भगवान हैं और यही तीन रूप धारण कर लेते हैं। ब्रह्मा जी के रूप में ये सृष्टि करते हैं, विष्णु जी के रूप में ये सतीथी करते हैं और शिव जी के रूप में ये संहार करते हैं। कोई कहता था कि भगवान शिव महेश हैं, महेश्वर हैं, देवों के भी देव हैं, यही सबके उत्पत्ति करता है और यही तीन रूप धारण करके इस ब्रह्मांड का संचालन कर रहे हैं, यही अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, मालिक हैं। ब्रह्मा जी का रूप धारण करके ये सृष्टि करते हैं, विष्णु जी का रूप धारण करके ही ये सतीथी करते हैं और स्वयं शिव रूप में ये सबका सहार करते हैं। इनके कोई माता पिता नहीं है। तो ये लोक वेद था, ये दंत कथा थी, हम इनको सर्वेश्वर महेश्वर कहा करते थे। पुण्यात्माओं, जिस मार्ग पर हम चलते हैं, हम अपना सफर तय करने के लिए उद्धत होते हैं, तो उसकी जानकारी हमें थोरोली होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, फिर उस पर चलने का लाभ है। और यदि हम जाना चाहते हैं हिसार से दिल्ली और हम चल पड़े हिसार से सरसा की ओर, तो हमारा चलना व्यर्थ है। चाहे हम कितनी स्पीड से जा रहे हैं, कितनी गाड़ी को दौड़ा रहे हैं, वो व्यर्थ है। और किसी कारण से आप हिसार से और सरसा जा रहे हो और रस्ते में कोई इत्तेफाक से कोई व्यक्ति मिल जाता है, पूछ लेता है कहाँ जा रहे हो जेंटलमैन, तो आप कहोगे जी हम दिल्ली जा रहे हैं। वो व्यक्ति आपसे ये कहे कि ये दिल्ली वाला वे नहीं है, ये दिल्ली मार्ग नहीं है, ये तो आप उल्टा जा रहे हो, सिरसा साइड में पंजाब की तरफ जा रहे हो, तो उस जेंटलमैन को विचार करना चाहिए कि ये व्यक्ति ऐसे क्यों बोल रहा है, क्योंकि वो तो अपने हिसाब से दिल्ली जा रहा है, लेकिन उसकी अपनी सोच है कि वो दिल्ली जा रहा है, लेकिन मार्ग गलत है उसका, उसकी दिशा गलत है। तो उस जेंटलमैन को, उस भद्र पुरुष को चाहिए वेरीफाई करें। और वेरीफाई करने का सबसे इजी तरीका ये है, या तो किसी और व्यक्ति से पूछे और वो भी यही कह रहा है और आपका नहीं यकीन हो रहा, तो फिर मैप देखे, मैप अपना मानचित्र देखे और पूछे मैं कहाँ खड़ा हूँ, तो वो लिखा है शहर का नाम कि आप यहाँ सिरसा आ चुके हो, सिरसा से 10 किलोमीटर दूर खड़े हो, तो फिर मानचित्र भी यही बता रहा है और सामने वाला जो भद्र पुरुष आपको बताना चाहता है कि आपकी दिशा गलत है, तो फिर क्या करना चाहिए। उस समझदार व्यक्ति होगा तो तुरंत मुड़ जाएगा, वो ये ना देखेगा मैंने इतना सफ़र तय कर लिया, अब मेरा क्या बनेगा इतने सफ़र का, वो तुरंत मुड़ जाएगा और उस भूल को सुधारेगा। ठीक इसी प्रकार जो भक्तात्मा गलत साधना कर रहे हैं वो कुमार्ग पर जा रहे हैं, जिन पुण्यात्माओं को ये ज्ञान गलत प्राप्त है वो कुमार्ग पर जा रहे हैं, परमात्मा पाने वाला वो मार्ग नहीं है। और आपको अब ये दास कह रहा है कि आप गलत मार्ग पर जा रहे हो, इससे वापस हो जाओ। और आप चले गए हो 50-60 किलोमीटर दूर कुमार्ग पर और वहाँ आपको पता चलता है कि आप गलत आ गए, तो आपकी समझदारी है कि तुरंत वापस हो जाना चाहिए। और यदि आप ये सोचो कि अब इतने सफ़र का मैंने तय कर लिया, ये तो व्यर्थ गया, मैं तो वापस नहीं होऊंगा, तो ये बुद्धिमता नहीं, ये तो मूर्खता कही जाएगी। इसी प्रकार आप जी किसी भी गुरु इष्ट संत के पास, किसी भी इष्ट की पूजा कर रहे हो और आपने, किसी ने 5 वर्ष, किसी ने 10 वर्ष, किसी ने 20 वर्ष, किसी ने 30 वर्ष भी हो चुके हैं, वहाँ डले ढो रहे हैं,
आज आपको ये पता चलता है कि आपका मार्ग गलत है, तो आप जी को चाहिए, क्या चाहिए अब इसमें कर्ण की आवश्यकता नहीं गनी, बुद्धिमान को संकेत बहुत है। आपको चाहिए कि तुरंत उस मार्ग को त्याग कर, ये नहीं सोचना चाहिए कि 20 वर्ष की साधना का मेरा क्या होगा, 30 वर्ष की साधना मैंने इस पंथ में कर ली मेरा क्या होगा, वो तो हो चुका है तेरा, जो होना था वो तो बर्बाद हो चुके हो तुम। आप जी को मार्ग पर इतनी सफर कर चुके हो 100 किलोमीटर, इससे वापस होना ही हितकारी है। आपका इसी में शुभ है, तुरंत वापस हो जाओ, त्याग दो उसको। अब परमात्मा कहते हैं, भेड़ा देखा दर्जरा उत्तर चले फड़क। अब क्या कहते हैं परमात्मा के, जैसे हम गलत, पहले बेड़ा होता था, बेड़े चला करते थे, दरिया पार करने के लिए नौका भी नहीं होती थी तो उसमें बेड़ा बनाया करते थे, बेड़ा। वो बेड़ा तो आपको याद नहीं होगा, लेकिन ये समझ ले नौका है। जिस नौका में आप बैठे हो उस नौका में पानी भर रहा है, उसमें उसका नीचे का बेड जो है वो डैमेज हो चुका है, और साथ में दूसरे वाला बिल्कुल जो है सही नौका साथ में आ जाता है, और आपको पता चल जाता है कि ये तो डूबोगे तुम इस नौका में जिसमें बैठे हो, पानी भर रहा है इसके अंदर। तो कहते हैं परमात्मा, कहते हैं भेड़ा बेहरा देखा जर्जरा और उत्तर चले फड़के। डूबे थे पर उबरे। कबीर परमेश्वर जी हमें बताना चाहते हैं कि जो बुद्धिमान होंगे वो ऐसा करेंगे, डूबे थे पर उबरे, गुरु के ज्ञान चमक और भेरा देखा जर्जरा उत्तर चले फड़क। कहते हम तो डूबे थे, 84 लाख योनियों में चले जाते, गुरु जी के ज्ञान से फिर हम फड़क गए एकदम। एकदम फड़कना माने न जबरदस्त भयभीत हो जाना, और एकदम फड़क के यानी ऐसे चमक के कूद जाना, एकदम न चमक जाना, मतलब सेकंड का विचार भी नहीं करने का समय है, डूब रहा है तो एकदम दूसरा साथ में खड़ा है, अच्छा स्थान है तो उस पर चमक एकदम कूद जाना, उसको कहते हैं डूबे थे पर उबरे, गुरु के ज्ञान चमक। लोगे एकदम चमक का पड़ा है भाई, एकदम ऐसे सतर्क हो जाना, और भेरा देखा दर्दरा, दर्दरा माने टूटन डूबन हो रहा है तो उत्तर चले फड़क। तो उस पुण्यात्मा को अब विलंब नहीं करना चाहिए गुरु बदलन में, उस मार्ग में कितना ही चला गया उसको तुरंत त्याग देना चाहिए। वो तो बिल्कुल कुमार्ग पर, आप तो 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर चले गए हो, वो आना वापस पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। आगे जितने कदम रखोगे वो गलत ही है, दूर ही जाओगे। तो जैसे कोई तो श्री ब्रह्मा जी को रचयिता बताते हैं, कोई श्री विष्णु जी सतगुण जी को रचयिता बताते हैं, कोई तमगुण श्री शिव जी को रचयिता बताते हैं, कोई श्री ब्रह्मा जी रजोगुण को ब्रह्मांड का रचयिता बताते हैं, सभी ब्रह्मांडों का। पुण्यात्माओं ये लोक वेद है, और कोई कोई कहता है कि दुर्गा ही सबकी सृष्टि सृजनहार है, जो दुर्गा जी के उपासक हैं, जो श्री देवी जी के उपासक हैं वो देवी जी को ही सब कुछ मानते हैं, और जो ब्रह्म के उपासक हैं, ब्रह्म वो ब्रह्म को ही सर्वेश्वर मानते हैं। तो पुण्यात्माओं हमने सबसे पहले ये मैप देखना होगा, अपने सदग्रंथों रूपी मैप को हम पुनः देखेंगे कि इस इन में हमें क्या मार्गदर्शन हुआ है, तो तब हम संतुष्ट होंगे। अभी तक तो हम किसी से कुछ सुन रहे हैं भगवान के विषय में, किसी महापुरुष ने कुछ ज्ञान दिया है, किसी ने कुछ दिया है, और हम विद्यार्थी हैं, श्रद्धालु हैं, जो भी संत गुरु जी हमें जैसा भी भगवान के विषय में ज्ञान देता है हम
बिना किसी शंका के, बगैर किसी ऑब्जेक्शन के हम स्वीकार कर लेते। तो पुण्य आत्माओं, आप इसके विषय में कि भगवान कौन है, सृष्टि रचना कैसे हुई, ये जानकारी हमें सर्वप्रथम होनी चाहिए और तभी हम परमात्मा के मार्ग पर सफल हो सकेंगे। फिर हमें कोई भ्रमित नहीं कर सकेगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, यानी मनमानी पूजाएं करते हैं, मनमाने साधनाएं करते हैं, जो शास्त्रों में विद्यमान नहीं है जो ज्ञान और उसका समाधान, वो साधना व्यर्थ है, न उनकी गति होती है, न उनको कोई सुख प्राप्त होता है और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। फिर तुरंत ही 24वें श्लोक में, 16वें अध्याय में कहा है गीताजी में कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, कर्तव्य मीन जो भक्ति कर्म हमने करने चाहिए और जो ना करने चाहिए, जो त्यागने चाहिए और जो ग्रहण करने चाहिए, उनके लिए सदग्रंथ ही प्रमाण है। किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। फिर गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले ज्ञानों से, वचनों से हटकर केवल एक तत्व ज्ञान पर, परमात्म ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तू भक्त बनेगा, तब तो तेरी भक्ति प्रारंभ होगी। जब तू एक ज्ञान पर, शास्त्र अनुकूल ज्ञान पर तू स्थिर हो जाएगी तेरी बुद्धि, फिर तू डगमग ना होकर के सीधे सुमार्ग पर चल पड़ेगा। फिर जितने भी कदम इस भक्ति सफर में रखेगा वो तेरे शुभ होंगे, लाभदायक होंगे। अब सृष्टि रचना के बारे में बहुत से असमंजस हैं। जैसे जैन धर्म के व्यक्ति, श्रद्धालु आचार्य मुनि, वो कहते हैं कि इस सृष्टि का कोई रचयिता नहीं, कोई इसका संहार करता नहीं, अनादि है, अपने आप बनती है, अपने आप ये चलती है। ऐसा ही नहीं, और भी बहुत से श्रद्धालु हैं, कोई कहते हैं विष्णु जी ने इसकी रचना की है, जैसे अब पीछे हम बता चुके हैं। इसके विषय में आप जी को विस्तृत डिटेल से बताएंगे। परमेश्वर कबीर देव जी का जो प्रसंग चला था कि ये पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, कंप्लीट गॉड है, ये विश्वास आप जी को नहीं हो सकता जब तक हम इनके गुणों से परिचित नहीं होंगे। और गुण कहाँ होते हैं? उनके जीवनी में, उनके इतिहास में लिखे होते हैं। जैसे विष्णु जी, श्री शिव जी, श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, इनकी जानकारी भी इनकी जीवनी में, इनके इतिहास में लिखी है, पुराणों में। और परमेश्वर कबीर जी की महिमा सूक्ष्म वेद में लिखी है, सूक्ष्म वेद में। आदि शंकराचार्य जी के इतिहास में दास ने पढ़ा, उन्होंने भी सूक्ष्म वेद का समर्थन किया है। आदि शंकराचार्य ने कहा है कि चार वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये तो अवेलेबल हैं, लेकिन सूक्ष्म वेद वो पांचवा है। उसके विषय में उन्होंने कहा कि वो कैलाश पर्वत पर है। अब कारण क्या है कि पांचवें वेद को इस काल ने, ब्रह्म ने नष्ट कर दिया सूक्ष्म वेद को। उस सूक्ष्म वेद को देने के लिए परमेश्वर स्वयं यहाँ आते हैं, अपने सतलोक से चलकर, मुक्ति धाम से, सनातन परम धाम से गति करके यहाँ आते उस छुपे हुए ज्ञान को, जो काल भगवान ने, ब्रह्म भगवान ने नष्ट कर दिया, यानी छुपा रखा है, वो किसी तक नहीं आने देता। तो उस पांचवें वेद को
परमात्मा बताने के लिए आते हैं। उस पांचवें वेद में लिखा है और उस वेद को, उस ज्ञान को परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपने मुखारविंद से, अपने मुख कमल से बोला था। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक बताया गया है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई स्वाध्याय ही करता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रतों पर ही आधारित है, कोई प्राणायाम आदि करके ही अपनी साधना को सफल मानता है। ये इस आध्यात्मिक ज्ञान का, धार्मिक यज्ञों का, यज्ञ माने अनुष्ठानों का विस्तार से विवरण चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहा गया है। यहाँ अनुवादकर्ताओं ने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में अनुवादकर्ताओं ने ज्ञान ना होने से अनर्थ कर दिया। उसमें लिखा ब्रह्मण मुखे, मूल पाठ में ब्रह्मण मुखे लिखा है, अनुवादकर्ताओं ने लिख दिया ब्रह्मण मुखे कार्य लिख दिया वेद की वाणी में, वो गलत लिख दिया, वो गलत अनुवाद किया है। ब्रह्मण मुखे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, जो अपने मुख से, मुखे माने अपने मुख से मालिक ने जो बोली है, उस मुख से बोली हुई वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, और वो है कबीर वाणी। ब्रह्मण का अर्थ यहाँ इन्होंने गलत कर दिया, वेद लिख दिया। और गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविद समर्थ है, वहाँ ब्रह्मण का अर्थ इन्होंने ठीक किया है, क्योंकि वहाँ विचलित नहीं हुए, ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म लिखा है ब्रह्मण का अर्थ। तो यहाँ चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में भी ब्रह्मण का अर्थ लिखना पड़ेगा, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कही गई। फिर चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि वो तत्व ज्ञान है जो पांचवें वेद में लिखा है, सूक्ष्म वेद में लिखा है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़ के विनम्र भाव से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत जो उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। इससे ये भी सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता उस पांचवें वेद से परिचित नहीं है, इसलिए उसने ऑप्शन छोड़ दिया कि आप इस उस ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों से समझो। तो परमेश्वर कबीर देव जी स्वयं आते हैं वो पूर्ण ब्रह्म तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए। उन्होंने 600 वर्ष पहले, क्योंकि परमेश्वर कबीर जी सन 1398 में, यानी संवत 1455, विक्रमी संवत 1455 जून यानी ज्येष्ठ की पूर्णमासी को एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान हुए थे काशी शहर में लहर तारा तालाब में। फिर लीला करते हुए बड़े हुए, उनको एक नीरू नीमा नाम के जुल्हा उठा ले गए थे। उसी व्यवसाय में मालिक रहने के कारण वो परमेश्वर जुल्हा धारणक कहाए। उन्होंने 600 वर्ष पहले अपने उस सूक्ष्म वेद में लिखा है, बताया है उसको। ये दास अब अपने शब्दों में परमात्मा के ज्ञान को आप तक पहुंचाना चाहेगा। परमेश्वर ने बताया है कि सबसे पहले केवल अकेले पूर्ण परमात्मा थे, कबीर देव थे, वो अनाम्य लोक में रहते थे, अनाम्य, और परमात्मा अकेले थे। उसके बाद परमेश्वर ने अन्य 3 लोकों की ओर रचना की, अकेले लोक से नीचे वाला अनाम्य लोक कहो, चे अनामी लोक कहो, अकेले लोक कहो, अकेले लोक से नीचे अगम लोक है, उससे नेक्स्ट अलख लोक है, और फिर उससे जो तीसरा स्थान नीचे सत्यलोक है जिसको सनातन परमधाम कहते हैं। और सत्यलोक में परमात्मा सत्य पुरुष नाम से विद्यमान है। एक ही परमेश्वर ने अपने अन्य 3 रूप और बनाए। तो इस प्रकार प्रत्येक लोक में परमात्मा अलग अलग नामों से
अलग अलग स्थिति से स्वयं ही विराजमान हुए। अब सतलोक के अंदर सृष्टि रचना प्रारंभ की। अपुण आत्माओं, जैसे केवल पृथ्वी लोक पर ही, इस पृथ्वी ग्रह पर ही सृष्टि जो है विद्यमान है, और अन्य ये जितने ग्रह हैं, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, ये शनि ग्रह, ये सब खाली पड़े हैं। इसी प्रकार सतलोक के अंदर परमात्मा सत्य पुरुष कबीर देव जी, जिसको परम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, उन्होंने वहाँ सतलोक में रचना शुरू की। एक वचन से 16 द्वीप बना दिए, 16 द्वीप, और फिर एक एक वचन से एक एक पुत्र की उत्पत्ति कर दी। उन 16 पुत्रों को प्रत्येक द्वीप में रहने का आदेश दे दिया, और अपने उन 16 पुत्रों में से एक पुत्र का नाम अचिंत है। अचिंत से कहा, कुछ समय के उपरांत आगे सृष्टि रचना करो। परमात्मा ये दिखाना चाहते थे उन पुत्रों को कि समर्थ के बिना कोई भी प्रयत्न करता है वो सफल नहीं होता। कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे, और करे तो मूर्ख बाजे। अचिंत ने अपने वचन से एक व्यक्ति उत्पन्न किया, उसका नाम रखा अक्षर पुरुष। अब उस अचिंत ने अपने द्वारा उत्पन्न पुत्र को, वचन से जो उत्पन्न किया था, उसको ही अविनाशी पुरुष मान लिया, उसको अक्षर पुरुष नाम से संबोधित किया, और उसे कहा कि तू मेरा सहयोग करना सृष्टि रचने में। वहाँ परमात्मा ने प्रत्येक द्वीप में, जब द्वीप रचना की, प्रत्येक द्वीप में मानसरोवर की भी रचना की, एक अलग से मानसरोवर भी, कॉमन मानसरोवर भी रचना की। तो वो अक्षर पुरुष मानसरोवर में जाकर नहाने लगा, नहाते नहाते गहरा चला गया, और वहाँ वो पानी में ही सो गया, निंद्रा आ गई। अपुनात्मा, सतलोक के अंदर श्वासों से शरीर नहीं है। बहुत समय तक वो बाहर नहीं आया, तब परमेश्वर कबीर देव जी ने उसी जल से जल लिया हाथ में, अपनी वचन शक्ति से उसको जादूगर की तरह एक अंडा बना दिया। उस अंडे में एक जीवात्मा प्रवेश करती, उस अंडे को छोड़ दिया उस मानसरोवर में, वो गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ नीचे पहुंचा, तो वो अक्षर पुरुष की जो अधूरी निंद्रा भंग होगी, जिस कारण से वो कुछ कोपित हो गया, उस कोप से, कोपित दृष्टि से उसने अंडे की तरफ देखा कि किसने मुझे डिस्टर्ब किया है, उस कोप से वो अंडा फट गया, अंडा 2 भाग हो गया, उसमें से ये ब्रह्म निकला। अब आगे चल के इसी इतिहास में, इसी लीला कहानी में, अमर कथा में, या सत्यनारायण कथा जो दास आपको सुना रहा है, अभी तक जो विष्णु जी को सत्यनारायण मानकर सत्यनारायण कथा कहा करते थे, वो सत्यनारायण कथा नहीं थी। अब ये है सत्यनारायण कथा। सत्यनारायण माने अविनाशी भगवान की कथा। तो उसमें से ये ब्रह्म निकला। आगे चल के आप 3 प्रभुओं से परिचित होंगे, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी से भिन्न हैं। एक सर्वब्रह्म, इसको सर्वब्रह्म भी कहते हैं, सर्वब्रह्म, और दूसरा ये अक्षर पुरुष यानी अक्षर ब्रह्म। ये अक्षर पुरुष कहो तो अक्षर ब्रह्म कहो, और अंडे से निकला ये सर्वब्रह्म, सर्वब्रह्मन नाशवान, क्योंकि अक्षर पुरुष को तो अचिंत ने नाम दे दिया कि तू अविनाशी व्यक्ति उत्पन्न कर दिया मैंने, अक्षर पुरुष। अब वो स्वामी जितना हो जाता है, फिर वही पुरुष प्रभु, पुरुष माने प्रभु भी कहते हैं। तो अक्षर पुरुष कहो या अक्षर ब्रह्म कहो, एक ही के 2 पर्यायवाची नाम है। इसी प्रकार सर पुरुष कहो, ये ब्रह्म जो अंडे से निकला ये सर पुरुष है, इसको सर ब्रह्म कहो,
इसके पर्यायवाची नाम है। इसको ज्योति स्वरूपी निरंजन भी, काल भी, ये ब्रह्म ही आगे चल के काल भी कहा जाएगा। अब याद रखना, क्योंकि पुण्यात्मा जब तक आप इस इतिहास से परिचित नहीं होगे, सृष्टि रचना से, आप किसी भी सदग्रंथ को नहीं समझ सकते। तब परमेश्वर ने आदेश दिया उन दोनों को कि तुम बाहर आओ। अचिंत पुरुष तुम निंद्रा में थे, न वो अक्षर पुरुष तुम निंद्रा में थे, तुम्हें जगाने के लिए ये सब प्रोसेस अपनाया है, तुम बाहर आ जाओ। दोनों बाहर आ गए। अब परमात्मा ने अचिंत से कहा कि अचिंत, अब देख लिया तूने, समर्थ के बिना कोई कार्य सफल नहीं होता। अब तू तो इसको बाहर भी नहीं निकाल सकता था, और आगे से ध्यान रखना कि बीच में टांग अड़ाओ मेरी क्रिया में, इसलिए तुम्हें तुम्हारे सामर्थ्य से परिचित कराया है। तो अचिंत ने कान पकड़ लिए कि दाता, हम कुछ नहीं कर सकते। अब परमेश्वर ने आदेश दिया उन दोनों को, किसको? सर्वपुरुष, अर्थात जिसको सर्वब्रह्म भी कहते हैं, जो आगे चल के ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता सिद्ध होगा इसी कथा में। सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष को दोनों से कहा कि तुम उस अचिंत के द्वीप में रहो। इन दोनों ने आज्ञा का पालन किया, और तीनों कौन? अचिंत, अक्षर पुरुष और सर्वपुरुष, जिसको सर्वब्रह्म भी कहते हैं, और यहाँ हम सीधी भाषा में उसको ब्रह्म भी कहने लगे। आगे डिफाइन करेंगे ब्रह्म क्यों कहने लगे। अब ये तीनों एक द्वीप में रह रहे हैं, बाकी जो अन्य 15 जने हैं परमात्मा के वचन से उत्पन्न वो पुत्र, वो अलग अलग सिंगल सिंगल द्वीप में रह रहे थे। कुछ समय उपरांत परमेश्वर ने हम सभी आत्माओं को, आप जी को, सारे ब्रह्मांडों की जितनी आत्माएं हैं, अपने शरीर से, अपने वचन से उत्पन्न कर दिया, और वहाँ हम तेजो में शरीर में विद्यमान थे। नूरी शरीर है हमारा, यानी तेजो में शरीर है, एक तत्व से बना हुआ है, उसमें नाड़ी, वो शुक्रम अकायम ऐसनाविरम, वो जैसे हमारी शुक्र से बनी हुई काया नहीं होती जो माता पिता के संयोग से बनती है, उसमें नाड़ी आदि का जुगाड़ जोड़ नहीं होता, नाड़ी तंत्र नहीं होता, इसी ऐसा ही शरीर परमात्मा का है, साकार है, मनुष्य दृश्य है, तेजो में है। लेकिन परमात्मा के शरीर का और हमारे शरीर के नूर में, सामर्थ्य में, शक्ति में और उसके नूर में, प्रकाश में अंतर है। पूर्ण परमात्मा सत्यपुरुष यानी कबीर देव जी का जो सतलोक में शरीर है, उसका एक रोमकूप में करोड़ सूर्य, करोड़ चंद्रमा से भी अधिक रोशनी है, और हमारा वहाँ शरीर कैसा था, जो शेष वहाँ रह रहे हैं उनका कैसा शरीर है, और हम जब परमात्मा ने अपने वचन से उत्पन्न किए थे तब हमारा कैसा शरीर था? मनुष्य दृष्ट था, और हमारा शरीर 16 सूर्य जितने प्रकाश युक्त था, हमारे पूरे बॉडी का शरीर 16 सूर्य जितना तेज था, यहाँ की जो सूर्य, लेकिन गर्मी ना हो। हम सभी वहाँ रहने लगे, वहाँ कोई दिक्कत नहीं थी, किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं था, वहाँ जरा और मरण नहीं था, वहाँ जन्म मृत्यु नहीं होता था, और बुढ़ापा भी नहीं आता था वहाँ पर। अपुण आत्माओं, यह विचार करना कि हम यहाँ कितने दुखी हैं, और फिर भी हम ये सोचे हैं हमारी मृत्यु ना हो, और जबकि हमें पता है कि मृत्यु तो डेफिनेट होगी, यहाँ का विधान है, और फिर भी हमारी मरने की इच्छा नहीं। कारण क्या है कि हम ऐसे लोक में रहा करते थे जहाँ मृत्यु नहीं होती थी, जिस कारण से हमें ये मरना अच्छा नहीं लगता, और बिल्कुल ठीक है भाई, क्यों तो जन्म हुआ था, और फिर क्यों मारे? 30, 40, 50, 60, 70, 80 वर्ष तो हम ये मकान मकून बुराण में लावा, फिर इसमें रहन पाते ना, एक मिनट में कड़च कर देता है, यहाँ का भगवान? तो वहाँ जरा और मरण नहीं था, जरा माने बुढ़ापा। अब कोई भी बूढ़ा होना पसंद नहीं करता, सब ने सोचा मैं युवा दिखूँ,
और ये बड़े बड़े नेता तो सर्जरी करा कर मेकअप करना चाहे, कब तक करोगे? 10 साल पाचे फिर फ्यूज हो गए। तो कहने का भाव ये है कि हम, हमारी नेचर है ऐसी कि हम युवा दिखें, लेकिन यहाँ तो बनावटी आर्टिफिशियल है सारा, और वहाँ ओरिजिनल था, तो हम वहाँ ऐसे रहते थे। कुछ दिनों के उपरांत, यानी दिन नहीं है वहाँ पर, क्योंकि दिन हम वैसे बोल देते हैं, वहाँ दिन रात नहीं होती, तेजों में प्रकाश में वो लोक है, प्रकाश में सब आत्माएं हैं, प्रकाश में परमात्मा है, वहाँ सूर्य उदय और अस्त नहीं होता। तो वहाँ कुछ समय के उपरांत इस ज्योति निरंजन, जिसको सर्वपुरुष कहा है, जिसको सर्वब्रह्म कहते हैं, जिस जो गीता जी में अपने आप को कहता मैं काल हूँ, वो ब्रह्म है जो श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके बोल रहा है। आगे इतिहास बताएंगे आपको, पूरा डिटेल देंगे। इसको धैर्यपूर्वक सुनना इस कथा को, क्योंकि ये पहली बार जो सुनता है उसको ऊटपटांग सी लगती है, लेकिन कुछ समय के बाद प्रमाण जब देखोगे आप, आपको स्वीकार करना पड़ेगा और होगी स्वीकारी। कुछ समय उपरांत इस सर्वपुरुष में एक खरपतवार उत्पन्न हुआ, खुरापात उत्पन्न हुआ। इसने सोचा कि हम तीन जने तो एक द्वीप में और हमारे अन्य भाई एक एक द्वीप में रह रहे हैं, तो वहां ये विधान का पता चला कि तप से राज्य प्राप्त होता है। उसने खड़ा होकर के एक पैर पर तप किया और 70 युग, यहाँ के 70 युग तक तप किया। तब पूर्ण परमात्मा ने, सत्य पुरुष ने, कबीर देव जी ने पूछा कि पुत्र तू किस लिए ये तप कर रहा है, क्या इच्छा है तेरी? तब इसने कहा कि भगवान, ये द्वीप मेरे लिए छोटा है, थोड़ा है, हम तीन एक द्वीप में रह रहे हैं, अन्य भाई मेरे अलग द्वीपों में एक एक रह रहे हैं, मुझे अलग स्थान चाहिए। परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, तुझे 21 ब्रह्मांड दे दिए। जैसे एक धनी पिता अपने पुत्र को 21 प्लाट दे दे, अगले बेटा ये तेरे हिस्से में 21 प्लाट आएगी। अब उन प्लाटों को पाकर, 21 ब्रह्मांड को पाकर ये सर्वब्रह्म, हम संत लैंग्वेज में इसको सर्वब्रह्म कहते हैं, सर्वब्रह्म, सर अक्षर, अक्षर तो ये अक्षर ब्रह्म तो इस ये परब्रह्म है जो अचिंत के वचन से उत्पन्न हुआ, और सर्वब्रह्म है ये परमात्मा के वचन से अंडे से उत्पन्न हुआ। ये सर्वब्रह्म जो है इन 21 ब्रह्मांडों में, कभी उसमें जा कभी उसमें सैर सपट्टे कर देख रहा है इनको। फिर मन में इसने सोचा कि इनमें कुछ कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। इस उद्देश्य से इसने फिर 70 युग तप फिर किया। तब परमेश्वर ने पूछा भी अब क्या चाहता है, प्लाट तेरे को दे दिए, 21 ब्रह्मांड दे दिए। तब इसने कहा प्रभु कुछ कंस्ट्रक्शन का, यानी कोई रचना सामग्री दो मुझे, ताकि मैं कुछ उसमें रचना बना करूं। यानी अब जैसे प्लाट दे दिए, उसके पास तो फिर भी कुछ कोनी पिता से मांगता है, कुछ पैसे दो या ईंट सीमेंट मटेरियल अवेलेबल कराओ। तो परमेश्वर कबीर देव जी ने इस सर्वपुरुष को, सर्वब्रह्म को 5 तत्व और 3 गुण दे दिए, अगले बेटा बना खिलौने रखे दिन से, इनको पाके बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर इसने सोचा कि मैं इसमें कंस्ट्रक्शन भी कर लूँगा, तो फिर अकेला कैसे दिल लगेगा मेरा। इसने सोचा कि कुछ आत्माएं भी मैं प्राप्त करूं भगवान से। इस सर्वब्रह्म ने, इस काल भगवान ने फिर तप फिर प्रारंभ किया, एक पैर पे खड़ा होकर। तो उधर से हम यहां इसके जाल में कैसे फंस गए, ये एक बहुत विशेष विचारणीय समय जो है ना बात है पुण्यात्माओं, एक विशेष विचारणीय विषय है कि हम क्यों फंसे। फिर चल इसने तो ऐसा कर लिया, प्राप्त हुआ अलग से, हम इसके साथ कैसे, हम जो फंसे हुए हैं ये इसके साथ फंसे हुए हैं, इस ब्रह्म के, सर्वब्रह्म के साथ हम यहाँ आ गए, जिस कारण से हम यहाँ दुख पा रहे हैं।
अपने पिता को छोड़ाई, जहाँ कोई अभाव नहीं था, कोई जन्म मृत्यु नहीं थी। तो हम कैसे फंसे कि हम वहाँ देख रहे थे इसके तप को, और जब ये खड़ा होकर तप कर रहा था, एक पैर पे खड़ा होकर, हम सभी इस पर आसक्त हो गए, इतने आसक्त हो गए, ओहो हो, देख कितने दिन से एक पैर पे खड़ा है, कभी इस पैर को कर लेता है, कभी उस पैर पे खड़ा हो जाता है, और ऐसे करके खड़ा है कभी। तो हम इसकी इन अदाओं से इतने प्रभावित हो गए, हम अपने भगवान से भी दिल हटा बैठे, जो हमें सर्व सुख दे रहा था, सब सुविधाएं उपलब्ध करा रहा था, हम उससे हटकर इसके ऊपर आसक्त हो गए। तो पुण्यात्माओं, यही बीमारी, यही स्वभाव आप और हम सभी को वहाँ से लगी थी। जैसे यहाँ के हीरो और हीरोइन, अभिनेता अभिनेत्री अपने पेट के लिए, रोजी रोटी के लिए एक्टिंग करते हैं, अदाएं करते हैं, उछल कूद करते हैं, और ये युवा वर्ग बच्चे उनको देखकर इतने आसक्त हो जाते हैं, पूछो मत। और यदि कोई हीरो या हीरोइन, यानी कोई अभिनेता या अभिनेत्री यहाँ बरवाला में आ जा या हिसार में आ जावे, फिर देखो इन बच्चों के, कॉलेज वालों के, जवान बच्चों की वहाँ कैसे भीड़ उमड़ कर जाती है, और कम से कम 200, 300, 400 फुट से दूर खड़े खड़े देखते हैं कि देखो वो खड़ा, वो है वो फलाना नेता अभिनेता, वो खड़ी, वो है फलानी अभिनेत्री। अब वो तो अपने पेट के लिए कर रहा सारा सारे काम, और वो बच्चे बेमतलब वहाँ जा रहे हैं उसको देखने के लिए, लेना एक न देने दो, क्या देगा उनको वो, और धक्के खा के सामने भूखे अपने वापस आ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार हम इस काल पर आसक्त हो गए और भगवान से हमारा हृदय हट गया। परमेश्वर कबीर देव जी ने बहुत बार आकाशवाणी की कि कोई भी इस ज्योत निरंजन के इस ड्रामे को मत देखे, इस पे प्रभावित ना हो, आप अपना मालिक में ध्यान रखो। लेकिन हम ऊपर से तो सावधान हो गए, जैसे हम बिल्कुल इसको नहीं चाहते, लेकिन अंदर से कसक नहीं गई, वो तो अंतर्यामी है परमात्मा। तो उस समय परमात्मा के बार बार कहने पर भी हम इस काल से अपना मन नहीं हटा सके, अपनी आत्मा को नहीं हटा सके, और अंदर से इसमें चाह बनी रही। अब इसने तीसरी बार जब तप शुरू किया, इसने परमेश्वर से चाहा कि मैं कुछ आत्मा प्राप्त करूं। जब परमेश्वर ने इससे पूछा, जब इसने 64 युग तप कर लिया तीसरी बार, तब पूछा कि क्या चाहता है ज्योत निरंजन, जो आपने मांगा था वो मैंने आपको दे दिया, अब तू क्यों हट कर रहा है। तब इसने कहा, ज्योत निरंजन ने, यानी शर पुरुष ने कहा कि प्रभु मुझे कुछ आत्माएं दे दो, मैं अकेला वहाँ नहीं रह सकता, 21 ब्रह्मांडों में अकेला कैसे रहूँगा। तब परमेश्वर ने कहा कि भी देखो, तेरे तप के बदले में, 64 युग जो तप किया है इसके बदले में और राज्य दे सकता हूँ, और वस्तु मांग ले वो दे सकता हूँ, लेकिन ये आत्मा नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरी आत्मा है, अब ये मेरे वचन से उत्पन्न हुई है, मेरा अंश है, अपने अंश को मैं कैसे दे सकता हूँ। लेकिन परमात्मा ने एक ऑप्शन रख दिया कि इसमें एक ऑप्शन है कि यदि वो स्वयं स्वेच्छा से कोई जाना चाहता तेरे साथ तो जा सकते, लेकिन मैं अपनी तरफ से उनको नहीं डाल सकता कुएं में। तब ज्योत निरंजन हमारे पास आया, ये क्षर पुरुष हमारे पास आया। जितनी आत्माएं आज इसके ब्रह्मांडों में हम कैद हो गए, यहाँ कष्ट उठा रहे हैं, ये सभी आत्माएं इसके चारों तरफ उमड़ कर खड़ी होगी,
जैसे हीरो आता है, अभिनेता आता है। इसने कहा हमसे कि मैंने पिताजी से 70-70 युग तप करके बहुत बड़े ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं, वहाँ पर स्वर्ग बनाऊंगा, महास्वर्ग बनाऊंगा, हीरे पन्ने लालों के मैं पहाड़ बनाऊंगा, वहाँ दूधों की नदी बहाऊंगा और तुम चलोगे मेरे साथ। अब हम तो पहले ही उसको चाह रहे थे, चाहे वो कुछ भी ना बनाता, उसको चाह रहे थे, उसके ऊपर आसक्त हो चुके थे। तो सभी ने कहा कि हम तैयार हैं आपके साथ चलने को, लेकिन यदि पिताजी आज्ञा दे देंगे तो हम जा सकेंगे। एक सर्प, इस सर्प पुरुष ने परमेश्वर कबीर देव जी से, पूर्ण ब्रह्म से, परम अक्षर ब्रह्म से प्रार्थना की, आकर के वापस प्रभु के पास जाकर के करबद्ध खड़ा होकर के कहा कि परमेश्वर कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने को सहमत है। परमात्मा ने कहा, परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा कि मेरे सामने हाँ भरवा दे तब मैं मानूं, तब भेज दूंगा। अब परमेश्वर आए, कबीर देव जी हमारे पास, साथ में ज्योत निरंजन भी आया। परमेश्वर कबीर देव जी ने परम अक्षर ब्रह्म ने पूछा कि आत्माओं जो ज्योति निरंजन के साथ यानी क्षर पुरुष के साथ जाना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करके स्वीकृति दें। अब अपने पिता के सामने हिम्मत नहीं पड़ी किसी भी आत्मा की इतना ढीठपना करें, सब ने नीची गर्दन कर दी। तब परमेश्वर ने कहा कि अरे ज्योत निरंजन, अरे क्षर पुरुष, आप तो कह रहे थे कुछ आत्माएं तैयार हैं, ये तो कोई भी नहीं बोल रहा, सन्नाटा छा गया। तब एक आत्मा सबसे पहले खड़ा हुआ, उसने सोचा कहीं हम रह जावा यहीं पर। उसने खड़ा होकर कहा कि पिताजी, हाँ, उसने हाथ खड़ा किया कि पिताजी मैं जाना चाहता हूँ। फिर तो हम जैसे सारे सोचा कदे हम पीछे रह जावें, हमने भी सब न कर दिया, ऐसे सब ने हाथ खड़े कर दिए। जितने भी खरबों अनगिन यहाँ पर आए हुए हैं, अकाउंटिंग नहीं कर सकते, इतने जीव आगे इसके अलावा से परमात्मा के पास तो सब अकाउंटिंग है, सब उनकी डिटेल है, लेकिन हम नहीं कर सकते जीव संज्ञा। जितने भी 21 ब्रह्मांड में प्राणी हैं ये सब सतलोक से आए हैं, चाहे चींटी है, चाहे हाथी है, रंक है या राजा है, किसी भी पशु पक्षी की योनि वो जीव जंतु की भोग रहा है। तब परमेश्वर ने कहा भी ठीक है ज्योत निरंजन, जिन जिन ने तेरे साथ आने का हृदय से चाह की है, सब इच्छा से तेरे साथ जाना चाहते हैं, उनके सब के नंबर नोट मैंने कर लिए, वो मेरे पास हैं। आप जाओ अपने ब्रह्मांडों में, क्योंकि ये ब्रह्मांड पहले वहीं थे सतलोक के एक लास्ट कोने में, बिल्कुल एकांत स्थान पर सतलोक में, और हम रह रहे थे उस मेन सतलोक में। जैसे एक तो बाहरी विलेज हों दिल्ली क्षेत्र के, दिल्ली राज्य के, एक शहरों का स्थान बीच में मध्य स्थान हो, हम वहाँ रह रहे थे। और इस काल के थे बाहरी दिल्ली समझ लो, वहाँ 21 ब्रह्मांड थे। ये निरंजन चला गया वहाँ पर अपने ब्रह्मांडों में, ये क्षर पुरुष, इसको ज्योत निरंजन भी कहते हैं, इस काल इसको काल भी कहते हैं, आगे चल के ये इसके कई नाम रखे जाएंगे इसी कहानी में। तो उधर से परमात्मा ने क्या किया, जिस आत्मा ने सर्वप्रथम हाथ खड़ा किया था, स्वीकृति दी थी क्षर पुरुष के साथ जाने की, परमेश्वर ने उसका एक युवा स्त्री रूप बना दिया।